नरेंद्र मोदी ने आज उद्योग जगत की प्रमुख हस्तियों, बैंकर्स और अर्थशास्त्रियों के साथ बैठक की। प्रधानमंत्री ने कम लागत वाले उत्पादन पर दिया जोर। पीएम ने उद्योग जगत को जोखिम उठाते हुए निवेश करने की दी सलाह। वहीं उद्योगपतियों ने ब्याज दर में कटौती की वकालत की। प्रधानमंत्री की उद्योग जगत की प्रमुख हस्तियों के साथ हुई बैठक पर वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि मौजूदा वैश्विक आर्थिक उठापटक से सबसे कम प्रभावित अर्थव्यवस्थाओं में ही रहेगा भारत। जेटली ने साथ ही कहा कि बैठक में देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के साथ साथ दुनिया की अर्थव्यवस्था को लेकर भी चर्चा हुई। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने आतंकवाद को दुनिया के लिए बताया सबसे बड़ा खतरा। गृह मंत्री ने हैदराबाद में राष्ट्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के 530 नए अधिकारियों की पासिंग आउट परेड की सलामी ली। इस मौके पर राजनाथ सिंह ने कहा कि हमारे देश के सुरक्षाकर्मी आतंकवाद की चुनौती से निपटने के लिए पूरी तरह सक्षम। कांग्रेस कार्यसमिति की नई दिल्ली में हुई बैठक में सोनिया गांधी के अध्यक्ष कार्यकाल को एक साल के लिए बढ़ाने का निर्णय लिया गया। कार्यसमिति की बैठक में 3 प्रस्ताव पारित किए गए। बैठक में निर्णय लिया गया कि 50% आरक्षण ST, SC, OBC और महिलाओं को दिया जाएगा ताकि वे पार्टी के विभिन्न पदों को ग्रहण कर सकें। सोनिया गांधी ने कहा, वर्तमान NDA सरकार जमीनी हकीकत से कोसों दूर। भाजपा ने कांग्रेस पर किया पलटवार। केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी अपनी पार्टी और अपने नेतृत्व की विफलता को छिपाने के लिए मोदी सरकार पर बार बार गलत बयानी कर रही हैं। स्मृति ईरानी ने कहा, जनता का प्यार और विश्वास मोदी सरकार के साथ है और हम देश के विकास के लिए काम करते रहेंगे। बिहार में आगामी चुनाव के मद्देनजर जीतन राम मांझी और रामविलास पासवान के बीच जुबानी जंग। मांझी ने कहा, पासवान नहीं है दलित नेता। वहीं पासवान ने कहा, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा को NDA में रखा गया है ट्रायल पर। वहीं भाजपा ने कहा, NDA में नहीं है कोई विवाद, अगर कोई विवाद है तो उसको जल्द ही सुलझा लिया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के मौके पर आज एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि देश में साक्षरता के बिना सशक्तिकरण संभव नहीं। राष्ट्रपति ने साथ ही कहा कि साक्षरता से ही लैंगिक अंतर को कम किया जा सकता है। इस मौके पर केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि महिलाओं का सम्मान करके ही सही मायनों में हम शिक्षित और साक्षर समाज का निर्माण कर सकते हैं। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों में छोटी नौकरियों के लिए साक्षात्कार को बंद करने की प्रक्रिया केंद्र ने की शुरू। जितेंद्र सिंह ने कहा कि सभी राज्य सरकारों, राज्य लोक सेवा आयोगों और कर्मचारी चयन आयोग को एक पत्र भेजकर उन पदों की पहचान करने को कहा गया है जिनके लिए साक्षात्कार बंद किया जा सकता है। मुंबई में बांद्रा की एक अदालत ने शीना बोरा हत्याकांड में मुख्य आरोपी इंद्राणी मुखर्जी के पूर्व पति संजीव खन्ना को आज 21 सितंबर तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया। संजीव खन्ना को कल पूछताछ के लिए पुलिस कोलकाता लेकर गई थी और आज उसे वापस मुंबई लाए जाने के बाद अदालत में पेश किया गया। इससे पहले अदालत ने कल इंद्राणी और उसके कार चालक श्याम राय को 21 सितंबर तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेजा था। महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई पुलिस आयुक्त राकेश मारिया को पदोन्नत करते हुए उन्हें महानिदेशक होमगार्ड के रूप में तैनात किया है। वहीं अहमद जावेद को मुंबई का नया पुलिस आयुक्त बनाया गया है। भारतीय बाजारों में आज देखने को मिली तेजी। सेंसेक्स 424 अंकों की बढ़त के साथ 25,318 अंक के स्तर पर हुआ बंद। वहीं निफ्टी भी 129 अंकों की बढ़त के साथ 7,688 के स्तर पर हुआ बंद। चीन का विदेशी व्यापार अगस्त में 9.7% घटकर करीब $320.8 अरब का रहा, जबकि इस दौरान चीन के विदेशी मुद्रा भंडार में रिकॉर्ड $93.9 अरब की कमी आई। जनवरी से अगस्त के दौरान निर्यात 1.6% घटकर 8,950 अरब युआन रहा, जबकि आयात 14.6% घटकर 6,720 अरब युआन रहा। उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया 1950 से 53 कोरिया युद्ध के दौरान अलग हुए परिवार के सदस्यों को अगले महीने फिर से मुलाकात कराने के लिए हुए सहमत। पुनर्मिलाप के लिए 20 से 26 अक्टूबर की तारीख तय की गई है। दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया ने संबंधों को सामान्य बनाने की दिशा में परस्पर बातचीत के बाद गत माह सीमा पर तनाव समाप्त कर दिया था। लिएंडर पेस, मार्टिना हिंगिस और रोहन बोपन्ना यंग जैन चैन की जोड़ियों अमेरिकी ओपन के मिश्रित युगल वर्ग के सेमीफाइनल में पहुंची। वहीं फेडरर, वावरिंका और एंडरसन पुरुष एकल के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। एंडी मरे प्रतियोगिता से हारकर हुए बाहर। वहीं महिला एकल में अजारेंको, पनेटो और क्विटोवा ने भी क्वार्टर फाइनल में बनाई जगह। समोआ की राजधानी आपिया में 5वें राष्ट्रमंडल युवा खेलों में भारत ने अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए दूसरे दिन 2 स्वर्ण सहित 5 पदक जीते। भारोत्तोलक दीपक लाठेर ने 62 किलोग्राम वर्ग में, वहीं भाला फेंक प्रतियोगिता में मोहम्मद हादिश ने स्वर्ण पदक जीतने में सफलता पाई। प्रतियोगिता में भारत 4 स्वर्ण, 2 रजत और 2 कांस्य पदकों के साथ 5वें स्थान पर काबिज है।